फॉर द पेपरमिंट क्रीम के लिए 100 ग्राम मक्खन अनसॉल्टेड बटर, और इसको बस हाथ से ही ज़रा सा बीट करके क्रीमी कर लिया है, और फिर इसमें बाकी की सारी चीज़ें डाल देंगे। 25 ग्राम आइसिंग शुगर, दैट्स जस्ट 1 आउंस 2 टेबलस्पून, पेपरमिंट एसेंस 2 to 3 ड्रॉप्स, मिल्क पाउडर 25 ग्राम्स, दैट्स अगेन 2 टेबलस्पून हीट, बटर और आइसिंग शुगर को बीट किया, उसके बाद इसमें 2 ड्रॉप्स से 3 ड्रॉप्स, इफ़ यू लाइक द फ्लेवर, पेपरमिंट का स्ट्रॉन्ग पसंद है आप 1/4 टीस्पून डाल लो, और फिर 25 ग्राम मिल्क पाउडर डाला, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मक्खन डाला 250 ग्राम, ठीक है, उसमें कैस्टर शुगर गई 250 ग्राम, दोनों को अच्छी तरह बीट किया, एक एक करके 5 अंडे एक साथ नहीं डालना है, एक अंडा डाला बीट किया, दूसरा अंडा डाला बीट किया, तीसरा डाला बीट किया, चौथा डाला, फिर पांचवा डाला, फिर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को फोल्ड करना है, और इसमें ये जा रहा है बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून हीट, वनीला एसेंस, वनीला एसेंस 1 टीस्पून, या स्ट्रॉबेरी भी डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी एसेंस, लेमन जूस, अच्छा ये पैन दिया है 9 by 9 inch का, उसको ग्रीस किया, ब्राउन पेपर लगाया, ब्राउन पेपर लगाने के बाद ये मिक्सचर 9 by 9 inch के स्क्वायर सांचे में ये जाएगा, ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका बैटर का वो देखें, लुक देखें, और ये बेक होगा 45 मिनट आराम से लगेंगे, नंबर 4 पे ये बेक होगा 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एक लेयर इन्होंने डाल दी वेनेला की, प्लेन केक की, अब इसमें थोड़ा सा ये निकालेंगे और इसमें ये डालेंगे पिंक कलर, ये अब जल्दी है तो इन्होंने पिंक और वाइट कर लिया, वरना होता एक्चुअली वाइट फिर पिंक अगेन वाइट, ठीक है, डाल के हम बेक करेंगे 45 मिनट्स के लिए। केक निकाला वैसे ही जैसा बेक किया था, निकालने के बाद 3 लेयर में आपके सामने इन्होंने काटा है, नीचे वाला वाइट, बीच वाला स्ट्रॉबेरी, फिर वाइट, ये साइड्स के लिए ना डेसिकेटेड कोकोनट साइड्स में लगाने के लिए, बादाम, इसमें आइसिंग शुगर डाल के इसको थोड़ा थिक करूंगा, हार्ड करूंगा, ठीक है, जैसे डबल से डबल हो जाते हैं ना, डबल कह रही थी, तो ऐसी आइसिंग शुगर डबल हो जाएगी, ठीक है, और इसकी जो है ना वो बॉर्डर लगाऊंगा, फिर इसको गर्म करके इसके अंदर डालूंगा। ठीक है, ये हो गया, इसको अच्छी तरह ठंडा करना है, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा, फिर इसके ऊपर बिल्कुल हार्ड हो जाती है आइसिंग।